हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सनराइज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गुढ़ागुड़ जी। आज की क्लास में हमारी जो एक्सरसाइज है 7.1 का क्वेश्चन 27 और 28 प्रूव दैट सॉल्व करेंगे। 27 का क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, से के माइनस कोस ए इक्वल्स टू 1/tan A प्लस कोस ए, ये इसमें सोल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी LHS साइड सोल्व करेंगे, LHS, और उसके बाद में इसकी RHS साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो LHS साइड लिखते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। कोसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin A माइनस साइन ए, सेक की जगह लिखेंगे 1/cos A माइनस कोस ए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा साइन ए से साइन ए कैंसिल वन टाइम, और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कोस ए, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम घटेगा, और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, और कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। 1 - sin² a की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है एक दूसरे से। 1 - cos² a की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखो यहाँ कोस की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो एक कोस कट जाएगा इससे, 2 में से एक कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है एक दूसरे से ही, और साइन ए से 1 साइन कट जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा कोस ए डॉट साइन ए, नीचे वाले तो दोनों कट गए। अब इसकी RHS सोल्व करेंगे, RHS है 1/tan A प्लस कोट ए, 1/tan A की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट ए की जगह हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, फिर आएगा 1/, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम साइन ए कोस ए। अब साइन ए कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो कोस ए कट जाएगा और साइन ए स्क्वायर, साइन ए बचेगा, इस साइन ए को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए कोस ए को जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा और कोस ए बच जाएगा, इस कोस ए को इस कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1। तो क्या लिखेंगे, 1/, इसकी जगह भी 1, अपॉन साइन ए, साइन ए कोस ए, ये 1, इसकी वैल्यू हमने रखी 1 और साइन ए कोस ए। अब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, 1/sin A cos A को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और आएगा 1 × sin A cos A / 1, उल्टा हो गया,
वन अपॉन साइन ए कोस ए था, इसका रेसिप्रोकल हो गया तो हो गया साइन ए कोस ए अपॉन वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा साइन ए कोस ए, ये क्या है एल एच एस और ये क्या है आर एच एस, यही हमें इसमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एल एच एस है इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी एल एच एस साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू अप्लाई करेंगे, बाकी को एज इट इज रखेंगे, तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ये एज इट इज रहेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस थीटा माइनस इस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा और उस वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये डेनोमीटर जो है इस ये डिवाइड में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो और क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये कोस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा कोस थीटा अपॉन ये नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस इसको एज इट इज रखेंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को सॉरी कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस क्यूब थीटा और अपॉन में आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आगे देखो, इसमें इसका डिनोमीटर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका डिनोमीटर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ साइन थीटा माइनस, उल्टा है ना, तो ये साइन चेंज कर देंगे बीच वाला और क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको प्लस का करेंगे इसको माइनस का करेंगे, इसके लिए यहाँ साइन चेंज कर देंगे तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन, अब ये माइनस का प्लस का पहले लिख देंगे कोस थीटा, ये माइनस का हो गया माइनस साइन थीटा, साइन चेंज करते ही जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब दोनों सेम हो गए तो एलसीएम ले लेंगे इनका, अब ये दोनों सेम है तो इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा एज इट इज कट जाएगा और आएगा कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा को कोस थीटा माइनस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा वन आएगा, वन को साइन क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा ही आएगा। अब ये आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए क्यूब माइनस सी बी क्यूब। वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हैं। ओके तो आ जाएगा ए की वैल्यू कोस थीटा, बी की वैल्यू साइन थीटा। तो आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ए का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। तो कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये सेम है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये भी है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू वन होती है, इसकी जगह वन रख देंगे। तो आएगा वन प्लस कोस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू आर एच एस, यही हमें प्रूव करना था। इसकी आर एच एस देखो आप, वन प्लस कोस थीटा साइन थीटा और ये देखो वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ओके okay।